नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। नए तरीके से लोगों से की जा रही ऑनलाइन ठगी। एलईडी बल्ब बदलने के नाम पर लोगों से फिंगरप्रिंट लेकर खातों से कर रहे रकम पार। घरों में एलईडी बल्ब बदलने का झांसा देकर नए तरीके से लोगों से ऑनलाइन ठगी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस तरह की ठगी होने के बाद रायपुर की कई पॉश कॉलोनियों में इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले पहुँच रहे हैं। कॉलोनी के सुरक्षा कर्मियों ने भी इसकी पुष्टि की है। साइबर थाने के अफसरों ने भी इस मामले को लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले कई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी इस तरह के नए फ्रॉड को लेकर सूचना जारी की है। नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस की ओर से इस संबंध में एक चिट्ठी भी जारी की गई है। केंद्र सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक LED बल्ब 10 रुपए में दिए जाएंगे। कुछ राज्यों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू भी किया गया है। ठगी के इस नए मामले को लेकर नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ने सोशल मीडिया में एक सूचना भी जारी की है। 10 रुपए में LED बल्ब बेचने के नाम पर लोगों के आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना जारी नहीं की गई है। ये ठगी का नया तरीका है। आधार और फिंगरप्रिंट लेकर जालसाज लोगों के बैंक खातों से रकम उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और कोई ऐसा करता है तो संबंधित थाने को तुरंत सूचना दें। कोई इस तरह की ठगी का शिकार हो गया है तो वो नजदीक के थाने में सूचना दर्ज कराएं। साइबर अपराधी ठगी की गई रकम एक स्थान पर नहीं रखते हैं। ये रकम तत्काल दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। तुरंत सूचना मिलेगी तो रकम ट्रांसफर होने से बचाया जा सकता है। केंद्र सरकार की इसी योजना के तहत जालसाज लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। ऑनलाइन ठगी करने वाले खुद को बिजली कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। एक झोलेनुमा बैग में वे LED बल्ब रखे रहते हैं। कॉलोनी और बस्तियों में जाकर वे लोगों को बताते हैं कि उन्हें एक LED बल्ब 10 रुपए में दिया जाएगा। इसके लिए वे लोगों से उनका आधार कार्ड और एक मशीन पर अंगूठे का निशान भी लेते हैं। सस्ता LED बल्ब खरीदने के चक्कर में लोग न केवल अंगूठे का निशान लगाते हैं बल्कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी देते हैं। मशीन में निशान लेने के बाद फ्रॉड करने वाले वहां से चले जाते हैं और कुछ मिनटों बाद ही लोगों के खाते से रकम गायब हो जाती है। इस तरह के फ्रॉड करने वालों से बचें। किसी भी परिस्थिति में बिना जानकारी के किसी को भी आधार कार्ड या अंगूठे का निशान न दें। इससे जालसाज आसानी से खाते से रकम पार कर देते हैं। इस नए तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के परिवार को 10-10 रुपए में LED बल्ब बांटे जाएंगे, वितरित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार को 3 से 4 LED बल्ब दिए जाएंगे। इसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार के आरा, महाराष्ट्र के नागपुर, वडनगर तथा विजयवाड़ा में लागू किया गया है। धीरे धीरे ये सभी राज्यों में लागू होगा। जिन जिलों में इसे लागू किया गया है वहां भी इस योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।